हाय गाइस नमस्कार, मैं हूं आशीष। सो गाइस, K5 मिसाइल को लेके एक बड़ा बात आ रहा है। जी हां दोस्तों, अभी तक तो ये मिसाइल को पूरी तरह से डेवलप नहीं किया गया है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन गाइस, इससे लेके अभी DRDO की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत अपनी परमाणु सबमरीन के लिए 5000 किमी रेंज की मिसाइल K5 को डेवलप करने की करीब एक टेस्ट 15 महीनों के अंदर कर सकता है। और ये बात को देख के ऐसे कहा जा रहा है कि भारत अपनी K5 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में प्रगति की है, जो कि एक नया पुनर्मिलन का सामने आया है। और ये जो K5 मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, ये एक SLBM मिसाइल होता है, मतलब सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि हमारा न्यूक्लियर सबमरीन में ही इसे इंडक्ट किया जाएगा और शत्रु को टारगेट किया जाएगा। ये मिसाइल को लेकर DRDO की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम 15 महीनों के अंदर इसे हमारा अरिहंत क्लास सबमरीन से ही इसे हम टेस्ट फायर करेंगे, क्योंकि तो हमें 2021 नवंबर या अक्टूबर के महीने में ये कारनामा देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा भारत SLBM मतलब सबमरीन लॉन्चर बैलिस्टिक मिसाइल को फर्स्ट टाइम डेवलप कर रहा है। हमारा भारत की तरफ से पहले से भी हम इसी तरह मिसाइल को हमारा अरिहंत क्लास में डिप्लॉय किए हुए हैं, जिसका रेंज 750 किलोमीटर तक होता है और ये न्यूक्लियर कैपेबल भी होता है। और ये मिसाइल का वर्षों में बड़े पैमाने पर टेस्ट फायर किया गया है। लेकिन हम जानकारी के लिए बता दें कि अरिहंत क्लास सबमरीन पे जो मिसाइल हम इस्तेमाल करते हैं, जो न्यूक्लियर मिसाइल जिसका रेंज 750 किलोमीटर होता है, वो K4 मिसाइल से बिलोंग्स करता है। और अब ये जो K5 हमारा DRDO की तरफ से डेवलप किया जा रहा है, ये K4 से बहुत ही एडवांस और रेंज भी इसका बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। एक बहुत ही बड़ा बात होता है हमारा भारत के लिए, क्योंकि SLBM ये सब देश अपना आर्मी में इंडक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि SLBM को लॉन्च करने के लिए एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन होना चाहिए, तब जाके SLBM सबमरीन लॉन्चर बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया जा सकता। और ऐसा टेक्नोलॉजी पूरा दुनिया में 6-7 देशों के पास है, जो कि अमेरिका और रशिया और चाइना और हमारा भारत और फ्रांस और जर्मनी का पास है, और UK जो कि यूनाइटेड किंगडम उसका पास भी है। ये पूरा प्रोसेस को हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हम बर्बाद हो जाएंगे फिर भी तुम्हें मार देंगे। ऐसे में हम सब लोग को पता है कि साउथ चाइना सी पर चाइना अपना नेवल इंस्ट्रूमेंट, अपना नेवल स्ट्रेंथ को कैसे वहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है, और कैसे और जो नेबर्स कंट्री है वहाँ पर, जो वियतनाम होता है और एक फिलीपींस होता है और जापान होता है, उनके साथ तनाव दिन पे दिन उसका बढ़ते जा रहा है, और हमारा भारत को भी वो टारगेट लेके आँख दिखाना शुरू किया है। सो गाइस, ये खबर के ऊपर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो एक बड़ा थम्सअप दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।